नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है, यदि आपके कछुए में डिहाइड्रेशन हो जाए। डिहाइड्रेशन का मतलब यदि कछुए के शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उस कमी को कैसे पूरा करें और किन किन कारणों से डिहाइड्रेशन होता है, आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। इस तरह की प्रॉब्लम आप रोजाना फेस करते हैं और उनको कैसे आप बचा सकते हैं अपने टर्टल्स को डिहाइड्रेशन होने के लिए, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक करके सभी चीजें बताऊँ। यदि आपके टर्टल में डिहाइड्रेशन हो गया तो डिहाइड्रेशन में जो सबसे मेन होता है, कछुए को साफ जगह पर रखना, प्रॉपर वेंटिलेशन और गर्म जगह पर रखना। यानी ये तीन बेसिक्स प्राइमरी कंडीशन है। यदि आप इन तीन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका कछुआ जो है बहुत ही जल्दी डिहाइड्रेशन या जो पानी की कमी उसके शरीर में हो चुकी है उससे रिकवर करेगा। बीमार कछुआ जब भी कभी होता है, जितनी ज्यादा आप गर्म स्पेस पर रखेंगे उसको उतना ही ज्यादा जो कछुआ जो है कंफर्टेबल महसूस करता है और बहुत ही जल्दी रिकवरी करता है। लाइटिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी, हो सकता है कि आप नेचुरल सनलाइट की प्रेजेंस में आप उसको रखें, तो सनलाइट की प्रेजेंस में भी यदि आप उसको डेली रखते हैं उतनी जल्दी रिकवर करेगा। यदि आपके पास सनलाइट का ऑप्शन नहीं है तो आप अपने घर के अंदर यूवीए और यूवीबी लाइट का कॉम्बिनेशन भी रखेंगे और उसके अंदर अपने अपने कछुए को रखेंगे तो वो बहुत जल्दी जो है रिकवर करने के चांसेस होते हैं। यानी कछुए की बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइटिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी जब भी कभी कछुआ बीमार हो, मेडिकेशन से पहले इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। आपका कछुए का रहने का स्थान कहां पर है? यदि आपने कछुए के रहने का स्थान काफी छोटा चूज किया है, उसमें आपका कछुआ स्ट्रेस में रहता है, तो आप ही मान के चले स्ट्रेस में कंटिन्यूस रहने के कारण कछुआ बहुत जल्दी बीमार होता है। इसलिए उसका जो रहने का लिविंग स्पेस है काफी बड़ा होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये सब चीजें जो है उसकी हेल्थ के लिए बेसिक्स रिक्वायरमेंट है। आपका कछुआ जब भी बीमार हो जाता है तो उसके लिए प्रॉपर अलग से रूम की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, अलग से एक बॉक्स आप कह सकते हो। बॉक्स के अंदर प्रॉपर आपको लाइटिंग का अरेंजमेंट करना चाहिए, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए और उसमें प्रॉपर बेडिंग मटेरियल होना चाहिए। यानी आपका कछुआ जितनी कंफर्टेबल आप उसको रखेंगे उतनी जल्दी रिकवरी होगी। बीमार कछुए की देखभाल से ज्यादा ये मैटर करता है कि आपने बीमारी को कितनी जल्दी डायग्नोस किया है। जितनी जल्दी आप बीमारी को डायग्नोस करेंगे उतना ही उसके रिकवरी होने के चांसेस और ज्यादा बेटर होंगे। आपको अपने कछुओं की बॉडी को, स्किन को रेगुलर देखते रहना चाहिए। यदि स्किन से रिलेटेड आपको कोई भी डिफेक्ट्स नजर आता है, यानी स्किन थोड़ा सा लूज नजर आती है, क्योंकि शरीर में जब भी पानी की कमी होती है तो आप उसकी स्किन को देखते रहिए। स्किन जो है आपको रुखी रुखी सी नजर आएगी। यानी इस तरह का कोई सिम्टम्स है तो आप ये मान के चलिए कि आपके कछुए में जो है शरीर में पानी की कमी हो चुकी है। उसको इमीडिएट आप अपने किसी नियरेस्ट वेट के पास ले जाइए, उसको इमीडिएट जो है फर्स्ट एड की जरूरत होती है। क्योंकि कछुए में क्या है, डिहाइड्रेशन की वजह से कई बार बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। पानी का बैलेंस जैसे ही गड़बड़ाएगा बॉडी के अंदर, उसके डेथ होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि आपका कछुआ डिहाइड्रेशन में आ चुका है या उसके शरीर में पानी की कमी हो चुकी है? ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं? जो सबसे पहला सिम्टम्स होता है, आपके कछुए का जो वेट है अचानक से रिड्यूस होना शुरू हो गया। यानी आप नोटिस कर रहे हो कि डे बाय डे आपके कछुए का वजन डाउन होना शुरू, अगर आप समझ नहीं पा रहे तो आप एकदम से डायग्नोस कर सकते हो कि उसके अंदर जो है पानी की कमी होना स्टार्ट हो गई है। ये पहला सिम्टम्स है। आप उसकी देखेंगे, आंखों की चमक बिल्कुल खत्म हो जाती है, आंखें जो है अंदर की ओर धस जाती है, उनकी जो शाइनिंग है बिल्कुल खत्म हो जाती है। बॉडी के ऊपर जो एक शाइनिंग होती है शेल के ऊपर, वो शाइनिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपको उसकी शेल के ऊपर व्हाइट व्हाइट सफेद पाउडर जैसा नजर आना शुरू हो गया, ये भी डिहाइड्रेशन का एक सिम्टम्स है। कछुए के शरीर से जो भी ओरल डिस्चार्ज होगा आप देखेंगे, उस ओरल डिस्चार्ज में बहुत ही बैड स्मेल आपको फील होगी। यदि इस तरह की कोई बैड स्मेल आपको कछुए के शरीर में से आने शुरू हो गई, ये तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके कछुए के शरीर में जो है पानी की कमी हो गई, उसको इमीडिएट फर्स्ट एड की जरूरत है। डिहाइड्रेशन की जैसे ही कमी आपको अपने कछुए में नजर आती है, आप अपने कछुए को तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क लीजिए। उसको फ्लूइड थेरेपी के द्वारा या जितनी जल्दी और किसी ट्रीटमेंट के द्वारा उसको उसकी जो फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है ताकि उसकी लाइफ को बचाया जा सके। यदि कछुआ खाना छोड़ देता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसको ओरली हैंड फीडिंग कराते हैं। हैंड फीडिंग के अलावा हम उसको अगर हाथ से नहीं खाता तो हम उसको सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से भी खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा यदि फिर भी नहीं खाता तो हम पाइप की सहायता से, पाइप जो है सीधा स्टमक के अंदर डाल देते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा जो है आप कह सकते हो ये जो स्टमक के अंदर जो पाइप डालते हैं इसके लिए डॉक्टर्स की देखरेख में ही जो है इसको हैंड फीडिंग करें, मतलब पाइप के द्वारा जो फूड है सिरिंज की सहायता से सीधा डायरेक्ट स्टमक में डालें। उसके लिए आपका डॉक्टर्स का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार कछुओं के मुंह के सामने यदि उनका मनपसंद भोजन आप ले जाना पसंद करेंगे तो उसकी स्मेल से भी कई बार कछुए जो है धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये भी ट्राई करते रहना चाहिए कि उसकी फेवरेट चीजें
उसके मुंह के सामने बार बार लीजिए ताकि उसकी स्मेल करके वो उसको खाना शुरू कर दे। यदि फिर भी नहीं लेता तो 5 से 10 ml आप लिक्विड या सिरिंज की सहायता से आप उसको थोड़ा फोर्सफुली या फीड करा सकते हैं। फोर्सफुली फीडिंग में आपको मेन ध्यान रखना है कि फोर्सफुली इतनी जो आपने सिरिंज या ड्रॉपर से देना है उसका जो प्रेशर होना चाहिए यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप देना चाहिए। कई बार हम फोर्सफुली जब उसको फीड कराते हैं तो कई बार क्या स्टमक में ना जा करके फूड पाइप में चलाता है, उसमें कई बार क्या है लंग्स में इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। इसलिए फोर्सफुली फीड कराते हुए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, कछुए के साथ ज़्यादा जबरदस्ती ना करें, उसको स्लोली स्लोली जितना अपनी मर्जी से अंदर इंटेक लेता है उतना इसको देना चाहिए। जब भी हम ट्यूब की सहायता से कछुए को भोजन देते थे ट्यूब की सहायता से जब भी भोजन कराते हैं उसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम जब ट्यूब बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो डायरेक्ट जो है ट्रैकिया को इंसर्ट कर देती है या इंजर्ड कर देती है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें डॉक्टर्स की प्रेजेंस में या एक्सपर्ट्स के द्वारा ही जो है ट्यूब फीडिंग करें। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है यदि कछुए में डिहाइड्रेशन हो जाए, इसके शरीर में पानी की कमी हो जाए, उसको कैसे डायग्नोस करेंगे और उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे।